वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू यू शर्मा ब्लॉग। आज की शुरुआत है सुबह 4 बजे के साथ। तो हम सुबह उठ के मतलब 4 बजे उठ गए थे और हम आ गए 4:30 बजे, 4:45 बजे तक हमारा सब कुछ हो चुका है। मैं 2 बजे सो गई थी, तो मैं 2 बजे सो गई थी और ये मैडम का तो अलग ही है, अपना लेट सोती है। तो सब कुछ सो सा के लेट, एनी वेज लेट सोए थे और सुबह उठ के हम पहुंच गए एयरपोर्ट, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आपके शहर कुछ टाइम में, कुछ और थोड़ा सा ब्लॉग आगे बढ़ाओगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ आ गए। अभी फिलहाल वैसे मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, जो कि इसको बहुत पसंद है ये वाला एयरपोर्ट, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को तो सारे एयरपोर्ट अच्छे लगते, फ्लाइट में जाना चाहिए बस, चाहे छोटा चाहे बड़ा, क्या ही बोले। तुझे बहुत पसंद है एयरपोर्ट? तुझे बिल्कुल पसंद नहीं? मेरे को पसंद है, मेरे को फ्लाइट में जाना है बस, कहीं भी कोई सा भी एयरपोर्ट हो। वो कौन सा कैफे? कौन सा कैफे? ब्लैक डॉग बार। ब्लैक डॉग, चलो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बार बार खुला है, मैं सुबह सुबह इसको जाना है बार में। इसकी बातें ऐसी हो रही है, इसको क्या देखना है पता नहीं। और पता क्या हुआ, मेरी ना शायद से ये वाली घड़ी जो है इतनी प्यारी वाली घड़ी, शायद से मेरी घड़ी ये चल नहीं रही है। तो अभी मैंने सुसाई तो कराया अब थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें सेकंड्स का तो सुई है नहीं, तो इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। बैटरी खत्म हो गई, महंगी वाली घड़ी। एनीवेज चलो लेट्स गो, थोड़ा सा घूम लिया जाए, एक्सप्लोर कर लिया जाए। अरे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको डर लग रही है यहाँ पे बिल्कुल। कहाँ पर यही मेरी तरह। फाइनली आफ्टर एजेस, आई गेस आफ्टर एजेस, स्पाइस जेट जो हमें अच्छी वाली फ्लाइट मिली है Corridon Airlines. फाइनली काफ़ी टाइम बाद स्पाइस जेट की अच्छी टाइम है मेरे को, क्योंकि स्पाइस जेट से बिल्कुल भी अच्छी उम्मीदें नहीं होती है। यहाँ पे सीट्स भी अच्छी और बैठने के लिए ये भी अच्छा है, मतलब 2-3 महीने बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं तो फाइनली अच्छी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है, अच्छी बात है। तो हम बैठ चुके हैं निकलने का, ऑल सेट टू गो। स्टोरीज देख लेना कहाँ जा रहे हैं, शायद वहाँ मिल जाए इंस्टाग्राम पर, वैसे हमने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा कोई नहीं, क्या पता वहाँ नहीं मिले। स्टोरी मैंने ये बट लोकेशन नहीं देखी, लोकेशन तो आपको अभी आगे मिल जाएगी। जहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें फ्लाइट ही फ्लाइट दिख रही है यहाँ पे, दूर दूर तक फ्लाइट, दूर दूर तक, और दूर दूर तक लोग भी नहीं दिख रहे क्योंकि हम लास्ट पैसेंजर हैं फ्लाइट से निकलने वाले। तो हम पहुंच चुके हैं, हम दिखाएंगे हम क्यों लास्ट हैं, यहीं पे जो है ना, यहाँ पे एक फोटो लगाऊंगा तब पता चलेगा हम लास्ट। गाइस पता क्या होता है, जब भी मैं अकेले फ्लाइट में ट्रेवल कर रही होती हूँ ना, तब मेरे को मैं सिर्फ फ्लाइट की खाली सिंगल फोटो ऐसे ले पाती हूँ, मतलब सीटों की मैं, और फिर आपने स्टोरीज में देखा होगा तो मैं वही ले पाती हूँ। लेकिन अब मुझे चाहिए था कि आज नानू है मेरे पास तो फायदा क्यों नहीं उठा लिया जाए। तो सारे लोग जब तक नहीं निकले, सारे जो लोग जब सारे लोग निकल गए, फिर मैंने नानू को बोला अब मेरी फोटो ले ले, तो आपने वो देखी ली कितनी प्यारी लगी है, देखा मेरी स्टोरी पे भी दिख रही लग रहा है, कुछ चिपका दिया बीच में। अरे वो और फिर वीडियो भी बना ली, नहीं प्यार लग रही हूँ मैं, तो यही तो कर रही थी मैं पागल। बेस्ट थिंग ये है कि हमें सामान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ी लेट हो गई अभी, पर हमें सुसु जानी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा है। नहीं इधर भी है, लेफ्ट की तरफ सारी जगह, सारी जगह टॉयलेट है यहाँ, तो राइट में भी और क्या, मेल का टॉयलेट है, फीमेल का राइट है, तुझे मेल में जाना है, जे मेल में जाएंगी। यहाँ पे ये चीज ना यहाँ पे ही है, मतलब पूरी दिल्ली में एक ऐसा है, यहाँ पे मेल और फीमेल इतनी दूर अगल बगल में ही, यहीं पे कोई नहीं है इधर, अभी यहाँ पे सारे है, सारे वॉशरूम्स हैं इधर, और ये पूरा वॉक करके ही जाना तुमको, तो इधर तो तुम्हें वॉशरूम्स ही मिलेंगे, और इन्हीं वॉशरूम्स में मेरा एक फ्रेंड की फोटो लगी हुई है लड़के की। यही बाकी रह गया, इसका फ्रेंड क्या करता है वॉशरूम में फोटो की फोटो लगी है, मैं दिखाऊंगी बाय द वे, गंदा साउंड कर रही है बड़ा। एनीवेज यार अब जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि सुबह सुबह निकले तो फ्रेश एंड अप होके भी नहीं आया मेरे को पहुंच गया। हाँ चलो, ये थक गई है बहुत ज्यादा, उड़ा के आई ना ये फ्लाइट, ये थक गई है, इसे चला नहीं जा रहा होगा, तो हम इसमें
चलत सीढ़ियां क्या बोलते हैं, स्वयं चलत, दिस इज नॉट अ सीढ़ियां दा, दिस इज फ्लोर, स्वयं चलत फ्लोर, फ्लोर को बोलो हिंदी में, फ्लोर को क्या बोलते हैं, फर्श, स्वयं चलत फर्श, पता नहीं चल रहा है गाइस, कट कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, हम यहां पे सामान लेके खड़े हैं पर जो हमें लेने वाले आने वाले थे वो पता नहीं कहाँ है, नहीं वो चल के आ रहे हैं, वो चल के आ रहे हैं हमें लेने और हमें चल के आगे ले जाएंगे, आ चुके हैं वो उस साइड है, मैं तो अगर ध्यान से दिखा नहीं सकती आपको, अभी रुक जाओ अभी मिलवाते हैं, ये वी नो द कट कॉपी पेस्ट, मल्टीपल वाले में आ जाओ, कीर्ति भाई क्या कोई बोल सकता है क्या, नहीं कितने पतले हुए हैं, मैं हाथी, मैं हाथी हुई पड़ी हूँ, आई टोल्ड यू ये तो बहुत ही पतली हो गई है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सच में, कुछ नहीं है हम कहीं तो ऐसे पहाड़ों वाले इलाके में जा रहे हैं, ये माँ के घर जाना है, पहाड़ ही हम उस वाले रूट पे जा रहे हैं, अभी नानू उधर ही जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, ओह माय गॉड अभी बहुत सारी चिड़िया भी उड़ रही थी, है भाई कीर्ति बता रहा है ये बहुत अच्छा था, हम नहीं बता रहे गाइस हम पहुंच चुके हैं, खाना खाने भूखे हैं, हम मुंबई से स्पेशली यहाँ के पराठे खाने आए हैं, वाह और इसको और कोई जगह नहीं, इसने बोला कि मैं तुम्हें मक्खन के पराठे खाऊं, क्योंकि हम जब से आए हमें पत्ता पत्ता कहता है, हाँ पत्ते तो बोल वो इसके आगे तुम ऐसा मुझे मोटा बोल रही है ये कितना बोला नानू, मैं क्या नानू का साइज दिखाना है मुझे, तो हम तो पतले पतले ठीक ही रहते हैं ऐसे नहीं, अच्छा आना है तो तू और मैं ऐसे लेती हूँ ना, आना आना लेती हूँ और मैं गाइस अब बताओ कैसे लग रहे हैं दोनों, दोनों मोटा से ये एक पैर में क्या है इसके, इसने पकड़ा भी ऐसे ही है, लेट्स गो गाइस इनसाइड, चलो जाएं क्या खाएंगे हम, एक मोटा हाथी ये समझ नहीं आएगा लोगों को, बची क्या गाइस, यहाँ पे यहाँ आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, वो 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 ठंड लग रही है, ठंड ये माँ के घर जाएंगे, वो वो मक्खन खाएंगे, तो मक्खन लेके जाएगी फिर से यहाँ से आते टाइम देखेंगे, ओके तो क्या देखो बना रहे हैं, ये लग गई खाने लग गई हमारी और हमारा ये रहा, और यहाँ बहुत मस्त अच्छी वाली ठंड लग रही है, ऐसे ठंड नहीं है, तुमने ये वाला बेडरूम तो दिखाई नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी एक बेडरूम है, ओह सो सॉरी बेबी सॉरी कंटिन्यू गाइस, हां इट्स 1 2 3 उड गई, ओह माय गॉड, दिस इज आवर न्यू प्लेस जो एक दो दिन के लिए होने वाला है या फिर आधे दिन के लिए, एनीवेज तो हम आए हैं, हम आए हैं करनाल हम आए हैं करनाल, हम आए करनाल है कि कीर्ति यहाँ है हमारे साथ, तो दिस इज V6 मीटिंग, ये क्या था, तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि V6 कहाँ है, V6 क्यों नहीं मिल रहे, अभी कीर्ति से बात नहीं होती, कीर्ति से बात नहीं हो रही, मधु को से बात क्यों नहीं हो रही, भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में हम इतना बिजी, तो फाइनली अब हम जाके एक दूसरे के लिए टाइम निकाल के आ पाए हैं, सबने ऑफिस से अपने छोटे छोटे लिए, तो अब जाके हम लोग मिल पाए, तो हमारे पास आज ये पूरा का पूरा घर हमारा है, गुलाब का फूल ले लिया मिलना की
मैंने खुद ही अपने आप को बोल दिया आई लव मी। ऐसे लगाएंगे क्या वो यार भैया मेरे बाल खराब कर दे लड़के ने। ये क्या है चाय सेनोरी चाक ऐसी उल्टी लटकी हुई सेनोरिटा कौन सी होती है? आओ 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 कभी हवेली पे। ये देखो मेरे पतला मोटापा नहीं मेरे पतला मोटापा क्या होता है पतलेपन से ये जल रही है। गाइस क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मोटी हो गई है? यस यस सामने से बोल रही है यस। क्या आपको हम बहुत पतले लग रहे हैं कीर्ति के सामने? मुझे भी लग रहा है कि हम बहुत पतले। वाओ गाइस हम आज ट्विनिंग करके आए थे दोनों ब्लैक ब्लैक जबकि आजकल हम ट्विनिंग वाले गेम जोन में है अपने गेम जोन में। अगर हम अभी मधु थोड़ा बिजी है एक्चुअली है नूर महल में तो अभी मधु थोड़ा बिजी है और जैसे ही वो फ्री हो जाएगी तो अगर हम दिखा पाए क्योंकि हमारे पास कुछ बहुत सारी बातें हम किसी काम से आए यहाँ पे करने के लिए क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल काम है तो अभी हम निकलेंगे किसी काम के लिए वो अगर हमारा हो जाएगा और हमें टाइम मिला तो हम आपको मधु से जरूर मिलवाएंगे। एंड मीनवाइल तो दिस रोज हमेशा जैसे नानू मुझे रेड रोज देती हुई आई है तो आज ये नाचीज करना इस कमसिन कली को रोज देती है ये रोज रोज वाली हरकत ये जो रोज लड़की है ये आपको रोज देती है। ओ पहली बार ये ढंग से हुआ है क्योंकि सामने चीज आता है इसलिए तो गाइस ये रोज लेके तो गाइस हम लोग अभी फ्रेश अप हुए हैं गाइस रोना आ गया मेरे को रोज आंसू आ गए और मेरे बेटा भाई तू घर से हम क्या सागी करेंगे हागू हागू ही तू लगा ले गाइस इसे देखो ये भी दिख रहा है ये चलो तो आई डोंट नो आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे हैं या नहीं तो हमारे जो मेरा बर्थडे वाला जो व्लॉग था लास्ट ईयर का वो यहीं का था और आपने शायद ये एरिया ऑफकोर्स देखा होगा पता नहीं फोटोज में या फिर व्लॉग में तो दिखा ही होगा फॉर श्योर। फोटोज का तो मुझे पता नहीं मैंने फोटोज डाले नहीं है मतलब जो आज है उसमें बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है और उनके रिप्लाई आपको मिल चुके हैं। आप दिल्ली गए आप करनाल गए आप दिल्ली गए आप करनाल गए अब मधु से मिलने गए आप कीर्ति से मिलने गए आप प्रीति जी से मिलने गए भाई साहब कितना अच्छे से जानते हैं यार आप क्या बता दिया आप लोगों ने तो पूरी हिस्ट्री निकाल दी। दिस इज नाइस दिस इज एक्साइटिंग थिंग जो अच्छा लगता है जब आप हमारे चीजों के अच्छे से आंसर देते हो सही आंसर देते हो हमें लगता है यार आप हमें कितने अच्छे से जानते हो। तो हम आए हैं यहाँ पे एक चक्कर लगाने बिल्कुल गाइस वैसे यहाँ पे इतना मौसम ठंडा हो नहीं रहा लेकिन यहाँ पे एसी चल रही तो हमें थोड़ा सा ठंडा लग रहा था और ऐसे ठंडी लग रही थी कि हमें जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा था ऐसे ठंडी लग रही थी कि हमें जैकेट पहन के इसको घूमना पड़ रहा था फिर मुझे भी पहनना पड़ गया। हाँ हाँ मुझे ठंड लग रही थी इसलिए इसको जैकेट पहनना पड़ गया। भाई सेम टू सेम दिखेंगे ना हम लोग लड़की यहाँ पे आई आई डोंट नो यहाँ पे हमारे कुछ रील्स रहे हैं पुराने यानी ऊपर है हम कहीं और भी जगह गए थे ना वो ऊपर अभी आवाज गूंज रही है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ पे तो यहाँ पे उस टाइम पे हल्दी चल रही थी हल्दी फंक्शन था यहाँ पे दिवाली हो सकता है तो यहाँ पे हल्दी फंक्शन चल रहा था मेरा वॉक करते भी नहीं मैं आ रही हूँ नाचती हुई पकड़ो टिंग 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 ज़्यादा हो रहा है 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 कर ले था करो अब यहाँ पे वो हो रहा है जा
कौन आ रही हो? ओ दीदी कहाँ जा रही हो? इसको देखिए. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हमने खाना मंगाया और खाने में आया है तुम सिर्फ, कर। सिर्फ और सिर्फ प्याज. वाओ दे नो आधा किलो, आधा किलो नहीं मैं बोलूंगी, आधा किलो सब्जी में आए, एक किलो प्याज. ये ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे वो चिकन विकन नहीं होता है प्लास्टिक में, वैसा दिख रहा है. कल के लिए खाना हो चुका है. नॉट टू वरी, नॉट टू वरी. प्याज टमाटर यहीं से आ जाएंगे. व्हाट इज दिस? हाँ क्या सुबह से क्या वेट हो रहा था? प्लीज दुखी मत करो भैया. बोलना आलू क्यों मंगाए? आलू मंगाए? आलू मंगाए तो था यार. गाइस एनीवेज मैं आपको बता दूं हम मम्मी के घर पे हैं. थ्री टू वन. एक बार तो बनता है. हम जा रहे हैं खाना खाने. एक बार. हाय गाइस मीट मधु. जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है गाइस. एक इनका सुसु आई है. उन्होंने एक पे नंबर दिखाया. क्या हो गया गाइस? तो आज का व्लॉग हम यही एंड करने आए. कच्चे मेरे बनियान. अरे ये मत डाल देना यार. गाइस इनके कच्चे बनियान और इनकी माँ है मेरी नहीं भाई उसकी. गाइस इग्नोर आज ना. गाइस इग्नोर किसकी? तुम्हारी मम्मी की क्या करनी है? वो कहने में आता मारनी मारनी तो उसी की है. वो गाली ऐसे बनी हुई है. पेड़ ही है. So guys, हम आए हुए हैं मधु के घर जैसा कि आपको पता चल चुका है. और मधु अभी तक नहीं दिखी थी क्योंकि वो थोड़ा बिजी थी सुबह से. और अब आपको दिख चुकी है मधु. और हम यहाँ नहीं दिखी अभी तक. दिख चुकी है. दिखा दी मैंने. दिखा दिया मैंने अभी. अच्छा दिख गई. तो अभी हम यहाँ में बस सोने ही जा रहे थे. लेकिन उससे पहले अभी हमें पता चला करनाल में जैप्टो की जगह जिप्पी चलता है. जिप्पी ऑर्डर हो चुका है. और जिप्पी में क्या मंगाया है? रेड बुल, कोका कोला एंड रियल का गुआवा जूस. जूस पिला दो. मोसंबी का मूड खराब है. जूस पी लो. मोसंबी का मूड खराब है. मूड ठीक हो जाएगा. वो बोली मोसंबी का तो नहीं. अरे 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 आंखों से मार डालोगे. आंखों से सारी बातें नहीं बोलनी होती. नहीं बोलनी आंखों से बातें नहीं बोलनी. पिंपल हो मेरे भाई को देखो. क्या चल रहा है यार? ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं आपको? गल रही मेरी. एक साल हो गया. ऐसे मत बोलो. एक मिनट कीर्ति तो सो चुकी है बिल्कुल. और ये और ये और बाकी हमारी दो लड़कियों को हम दिखा नहीं सकते. सही कह रही है. सही बात है. दो लड़कियों को हम नहीं दिखा सकते. वो कभी भी नहीं आएंगे. अभी अभी व्लॉग का क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन आएगा. प्रीति जी कहाँ हैं? व्लॉग का क्वेश्चन आएगा ना क्योंकि लोगों ने कमेंट किया है. आप मधु जी कीर्ति जी और प्रीति जी से मिलने जा रही हैं. दीदी अपने काम से गई हैं बाहर कुछ ऑफिस के काम से. तो इसलिए पहले से बता दो ना लोगों के क्वेश्चन है. उससे बेटर है कि पहले से क्वेश्चन आंसर खत्म कर दो. उन्होंने पूछा था प्रीति जी गई हुई है. हमारी प्रीति दीदी गई हुई है अपने काम से. हाय प्रीति हाउ आर यू? तू जल्दी आ जा. आ रही है. गाइस ये फोन जो है ना ये नकली फोन है. और ऊपर से उसके बटन मिली घूमते बटन में आके बटन घुमाया पहले. ये कहाँ से लाया? नूडल से. तभी मैं कहूँ नूर महल वाले तो ना लोकल भी नहीं रखेंगे. नूर महल वाले में गोल गोल घूमते हैं. मैंने सस्ते वाला नहीं लिया था. महंगे ही था. तो फिर गोल क्यों नहीं घुमा? मैंने ऐसा लिया नहीं. मेरे घर के बच्चे तोड़ देते ना. मैंने सिंपल साधारण सा रखा. गाइस देख रहे हो पुराने जमाने के फोन. अभी मैंने दादी की चिलम मंगवाई है. वो मैंने रखनी है. चिलम नीचे वाला नहीं फ्लोर वाला नहीं जो ऐसे होती है बिल्कुल. ये व्लॉग आप ही को एडिट करना. डोंट वर मैं ये तो मैं डाल दूंगी. मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल. और ये जो अपने दांतों तले कुछ तो चबा रही है. खून तोड़ रहे हैं. गाइस चलो करने वाला व्लॉग एंड बिल्कुल.
आपको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक टाटा बाय बाय गुड नाइट टूडल्स कीच कीच को से आई लव यू टिंग टिंग्स बाय बाय गाइस हमें टेप रिकॉर्डर चलाना बहुत अच्छे से आता है टाटा बाय बाय और ये कैसा था बेहुदा सा कपड़ा बेहुदा मेरे भतीजे ने गिफ्ट किया मेरे को ओह आई एम सो सॉरी बट देखो क्या लिखा हुआ दिस कप इज सच अ वियर्ड थिंग देखो कैसा ये ऊपर से ऐसे तीन इसमें हैंडल्स हैं तीन का क्या लॉजिक है यार उसने ऐसे बोला पैसे पीते हैं ऐसे पिया को ऐसे और ये वाला कौन पकड़े किसी ने मेरे से पकड़ के पीना हो ना ये वाला पैर से पकड़ने का ये टीजर वाला चीप गाइस दो ये चलो छोटे बच्चे ने दिया ठीक है हम समझ गए पर ये थोड़ा सा वियर्ड कप है ये मैंने इतना तरंग का पहली बार देखा है व्लॉग एंड हो चुका है बट ये स्पेशली ये दिखाने के लिए मैं वापस आई थी बाय